हाय गाइस, समर सीज़न आ गया है और हमें बहुत अच्छे से अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है सो दैट ऑल दो सनबर्न्स, टैनिंग्स, यूवी रेज शुड नॉट अफेक्ट अस एट ऑल। एंड इसीलिए आई एम हेयर टू ब्रिंग विद यू वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी DIY स्क्रब जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेगा, ट्रस्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट। इस DIY फेस पैक के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 1/2 टीस्poon of coffee powder, few drops of honey into it. Add 1 teaspoon of curd into it and mix it well. And make sure that there are no lumps in it. जो भी lumps होगा आप उसे blend कर दीजिए। अब एक fine paste बनने के बाद इसे हम अपने face पे apply करेंगे। इस पैक में जो कॉफ़ी स्क्रब और राइस फ्लावर है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से ये आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को, ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को तो रिमूव करता ही है और साथ में इट इज़ द बेस्ट नेचुरल सनस्क्रीन। आपकी समर्स के लिए ये बहुत बेस्ट पैक है। ये हाइपर पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से हटाएगा। आपको इसे 2x और 3x इन अ वीक यूज़ करना है एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आफ्टर फर्स्ट यूज़ ओनली। मैंने फेस पैक को बहुत अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया है। इसे 70 to 80% ड्राई होने रखूँगी और उसके बाद हम स्क्रब करेंगे। यस, तो अब मेरा फेस पैक 70 to 80% ड्राई हो चुका है। अब मैं रोज टोनर अपने फेस पे स्प्रे करूँगी। मुझे अपना नोज़ एरिया और चिन एरिया को बहुत अच्छे से स्क्रब करना है, ऑल द ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकल जाए। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा और बहुत अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करेगा। आपको इस पैक को 2x और 3x इन अ वीक यूज़ करना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। के अंदर जो फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो आपके अच्छे से आपके फेस को स्क्रब करते हैं। एंड नाउ आई विल वॉश माई फेस। मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं द ग्लो ऑन माई स्किन, मुझे मेरी स्किन बहुत नरिश लग रही है। और आपको इस कॉफ़ी स्क्रब को अपने स्किन के रूटीन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए टू सी द वंडर्स ऑन योर स्किन। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू सी द मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू।